दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा दूसरों को देखकर हंसने की बजाय क्या करें। मान लीजिए कोई पैर स्लिप हो गया, गिर गया, या किसी से कोई गलती हो गई, भाषा संबंधी गलती है या व्यवहारिक गलती है, तो मानव तो गलतियों का पुतला है, गलती तो सबसे होती है। हम यदि किसी को देख के हंस रहे हैं तो ये मान के चलिए हम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसके कारण हम दूसरे को देख के हंस रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता, आभास नहीं होता और हम हंसे पड़े जाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति में कुछ कमियां हैं या कमी रहती है, आप बुरा ना मानिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की बात बताता हूँ कि गलतियाँ जब किसी की होती है तो हम लोग हंस देते हैं, यहाँ तक कि हम अपने को भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन क्या यह अच्छा है? नहीं। इसको हमको कंट्रोल करना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तविकता में हंसी तो आ जाती है। कोई गलती से मान लीजिए रास्ते में जा रहा है, गिर गया, स्लिप हो गया, तो भी जो दूसरा देखता है वो हंसने लगता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं स्कूलों में, भी कई गिर जाते हैं, या कोई बच्चा कक्षा में गलत बोल देता है, टीचर पढ़ा रहा है और कोई कक्षा में यदि टीचर किसी के बच्चे को खड़े किया, प्रश्न किया, तो उसको क्या बोल दिया, कुछ बोल देता है अपनी भाषा में, या नहीं बोल पाते, या कोई गलती हो जाती है उससे, या बता नहीं पाता है, तो भी बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि होशियार बच्चे जो हैं वो हंसने लगते हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि हम अच्छे हैं, हम होशियार हैं और इससे कुछ नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे उसके मैटर क्या है ये आप नहीं जानते हैं, तो उसमें आपको हंसना नहीं चाहिए। हंसने की बजाय ये सोचना चाहिए कि वास्तव में उसके पीछे क्या कारण है और वो क्यों नहीं बता पा रहा है, क्या उसके पास समय नहीं है कि पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके कारणों को सुधारने में सहायता करना चाहिए। जो होशियार बच्चा है उसको भी जो गलती किया है उसको सुधारने में उसकी सहभागिता होना चाहिए हंसने की बजाय। तो हम यदि किसी को देख करके किसी की गलतियों से किसी का उपहास उड़ाते हैं, हंसते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो ये सब करने की बजाय उसमें सुधार कैसे हो सकता है यदि हम इसका प्रयास करते हैं, तो ये तो हमारे लिए सोने में सुहागा हो सकता है और हमारा जो कहते हैं हमसे परिवार है, परिवार से समाज है, समाज से देश है, राष्ट्र है, और इस तरह से सुधार की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारा परिवार है वह सही है और दूसरे का परिवार गलत है, और हम दूसरे को गलत साबित करते करते हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं दूसरे परिवार से लिंक होता है, जिस कारण हम ये नहीं समझ पाते कि बाहरी कुरूतियाँ, बाहरी गलत चीज़ें हमारे परिवार में भी समायोजित हैं, क्योंकि हम ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे सामाजिक हो या दूसरे हो। व्यवसाय में भी सभी लोग जुड़े होते हैं, कार्य में भी सभी लोग जुड़े होते हैं, ऑफिसों में आप जाइए तो वहाँ भी देखिए तो सभी धर्म के लोग मिलेंगे, बड़े बड़े स्थानों में जाइए, राजनीति में जाइए, ऑफिसों में जाइए, और जो भी बड़े स्तर के कार्य हैं उनमें भी, समिति में जाइए, संगठन में जाइए, तो सभी जाति धर्म के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, और उनके जुड़े होने के साथ साथ हम जो है एक हैं, इसलिए दूसरे का उपहास उड़ा करके दूसरे की गलतियों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ नहीं जानता। कहीं ना कहीं सब में कोई ना कोई कमी होती है, हर विषय में हर व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता है, हर विषय से PhD नहीं कर सकता है, और ज्ञाता हर विषय का
व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति जानकार होता है न कि गुरु होता है। तो हम विषय के जानकार हैं, तो यदि आप में कहीं गलतियां हैं तो कोई यदि उसको सुधारने की चेष्टा करना चाहता है तो उसमें बहुत अच्छी बात है। तो एक इसका रीजन ये हो सकता है, इसका आंसर लास्ट में ये निकलता है कि दूसरों को देखकर हंसने की बजाय दूसरे के चेहरे में मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, कि हम दूसरे को देख करके हंसने की बजाय दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं। तो बड़ा मज़ा आया वीडियो बना करके दोस्तों। मेरा वीडियो का जो एड्रेस है TPSBHD है, और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे।